जितना हो सके झूठ कम बोलिए या मत बोलिए। क्यों, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? इससे हमारी माइंड, हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम किसी से 1 टाइम्स झूठ बोल रहे हैं तो खुद से हम उसका 10 टाइम्स झूठ बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस, हमारे कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है वो बात, और फिर हमारे ब्रेन को लगता है कि जो ये बोल रहे हैं इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि करना नहीं है हमें वो काम। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल, हम कॉल रखने लगते हैं तो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको। जो कह रहा है उसे पता है कि कॉल नहीं करना, और जो सुन रहा है, जिसे कहा जा रहा है, उसे भी पता है कि कॉल नहीं आनी है। तो फिर हम झूठ बोल क्यों रहे हैं? हम अपने बिहेवियर के टुवर्ड्स कॉन्शियस क्यों नहीं है बिल्कुल भी? आपको लग रहा होगा ये क्या फूली सी सेइंग है, इतनी छोटी छोटी सी हैबिट से भी कुछ होता है क्या? बहुत फ़र्क पड़ता है। तो एक बार हेनरी फोर्ड में 2 इंजीनियर्स को बुलाया, सेम कॉलेज के, और आफ्टर लंच उन्होंने एक को कहा गुड बाय और दूसरे को कहा वी विल वर्क टुगेदर। तो जिन्हों हेनरी फोर्ड ने जिन्हें गुड बाय कहा, उन्होंने पूछा सर आपने मेरे फ्रेंड को सिलेक्ट कर लिया पर मुझे सिलेक्ट नहीं किया, और ऐसा तो हमारा कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ जिससे पता चल सके कि ही इज़ वेरी क्वालिफाइड एंड आई एम नॉट, एंड ही इज़ एबल टू वर्क विद यू एंड आई एम नॉट, सो व्हाई यू डिडंट सिलेक्टेड मी। सो हेनरी फोर्ड ने देखिए कितना अच्छा आंसर दिया, एंड ही सेड देयर आर 2 रीजंस व्हाई आई डिडंट सिलेक्टेड यू। फर्स्ट, यू आर शोइंग ग्रेटिट्यूड ओनली टुवर्ड्स मी, नॉट टुवर्ड्स एवरीवन, लाइक वेटर इज देयर, यू डिडंट शो ग्रेटिट्यूड, बट द नेक्स्ट हु गॉट सिलेक्टेड that person showed gratitude towards every person. And the next, when the person who didn't get selected, उन्होंने टेस्ट करने से पहले ही अपने खाने में नमक ले लिया, एंड द सेकेंड पर्सन उन्होंने पहले टेस्ट किया फिर नमक लिया। तो आपको लग रहा होगा अब ये नमक पहले या बाद का क्या चक्कर है, इसी के बेसिस पर सिलेक्शन हुआ था। और हेनरी फोर्ड आज कहाँ से कहाँ है आज की डेट में, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी वो अचीवमेंट है कि अचीवमेंट बोलती है, ज़ुबान को बोलना नहीं पड़ रहा उनकी। सो बी कॉन्शियस, वी आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ हु हैज़ द सेल्फ कॉन्शियस ऑन, सो यूज़ दिस सेल्फ कॉन्शियस, एक्सप्लोर इट, बी कॉन्शियस टूवर्ड्स अर हैबिट, और यही आपको डिटर्मिन रखने में हेल्प करेगा। आपने जो भी लक्ष्य, अपना गोल सेट किया है, उसे आपको अचीव करना है, तो आपको कॉन्शियस रहना होगा अपनी छोटी छोटी हैबिट्स की, और कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। नाउ सम ऑफ द फॉर्मूलाज लाइक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस, इट इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू 1। फॉर गैसेस एट लो प्रेशर द वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस A by RT V, and at high pressure it is equal to 1 plus PV by RT, and for critical state it is equal to 3 by 8, and at equilibrium the value of delta G is equal to 0, and at equilibrium the total entropy is also equal to 0, and for half life of zero order reaction it is equal to initial concentration divided by root 2 and k here is the constant, and that is time is equal to a naught minus at, that is the initial concentration minus final divided by time. So that's all.